अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है। दिस इज़ मुशीर जुगनू, आ गया हूँ मैं एक न्यू व्लॉग में। काफ़ी दिन, काफ़ी अरसे से, काफ़ी महीनों से मैं जो है ना व्लॉगिंग में थोड़ा सा आउट था। 2-3 मंथ हो गए हैं मुझे व्लॉगिंग से आउट हुए भी। तो यार उसके पीछे एक थोड़ा सा रीज़न था। वो रीज़न ये था कि मेरे पास मोबाइल फ़ोन नहीं था कोई, पहले जिस पे व्लॉगिंग करता था वो मैंने सेल कर दिया था। तो अब फिलहाल मैंने मोबाइल ले लिया है, तो अब मैं थोड़ा सा यूट्यूब पे एक्टिव होऊंगा और मैं कोशिश करूंगा अब दोबारा से व्लॉगिंग ज़रा शुरू करें, नए नए कंटेंट लेके आएँ ज़रा आपके लिए अच्छे अच्छे से। आज का जो बेसिकली मेरा टॉपिक है, मैंने ना कुछ सोचा है कि मैं व्लॉगिंग को थोड़ा सा और आगे लेके जाऊँ, थोड़ा सा व्लॉगिंग में ज़रा कुछ ऐड करूँ। तो उसके ऐड करने के लिए मैंने जो है ना कुछ प्रोडक्ट्स लिए हैं, कुछ चीज़ें ली हैं, कुछ एक्सेसरीज़ लिए हैं जो कि मैं आज आपको दिखाऊँगा। वो मेरी व्लॉगिंग में बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, व्लॉगिंग मेरी थोड़ी सी एक्स्ट्रा आगे होने वाली है। मैं अभी आपको वो सारी चीज़ें दिखाता हूँ, उससे पहले जो लोग नए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें, मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा। आप लोग देख रहे हैं जो जो वीडियोस सब्सक्राइब करेंगे तो मैं थोड़ा सा ऐसे मुझे सपोर्ट मिलेगा, मुझे थोड़ी सी खुशी होगी। मैं अब आपको दिखाता हूँ कौन कौन से प्रोडक्ट्स मैंने लिए हैं। तो यार ये देखो, ये कुछ सामान है जो मैंने अभी परचेज़ किया है, ये आप देख सकते हैं यहाँ सारा लगा हुआ है। और इसमें सबसे पहले चीज़ हमारे पास आ जाती है जो कि मैं अब आपको बताने वाला हूँ, वो है हमारे पास ये चिन माउंट। इसको अब हम ज़रा खोलते हैं। जी यार, ये बेसिकली मोटरसाइकिल हेलमेट चिन माउंट है और ये मोटो व्लॉगिंग के लिए काम आती है ज़्यादा। ये है चिन माउंट और जो कि हेलमेट पे लगेगी, और इसके आगे हमने कैमरा लगाना है, वो अब हमारी मर्ज़ी, हम मोबाइल को अटैच कर दें आगे या फिर मेरे पास गोप्रो तो नहीं, मेरे पास एक एक्शन कैम है उसको ऐड करेंगे। तो ये उसके लिए मैंने लिया चिन माउंट। तो इसका ये मतलब है कि मैं बहुत जल्द ही आपके लिए तो व्लॉगिंग भी शुरू कर दूंगा, तो उसके लिए मैंने ये चिन माउंट लिया। और इसके अलावा ये रहा मेरे पास एक्शन कैम जो कि है तो चाइना कंपनी का कोई, और पता नहीं इसका नाम क्या था, जिंग होंग कुछ था, बहरहाल 4K कैम है ये एक्शन कैम। ठीक है, ये बेहतरीन है, मतलब ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है और मैं इसी से ही व्लॉगिंग शायद या इससे व्लॉगिंग करूं, या मेरे पास एक्सेसरीज़ में एक और चीज़ है वो है ये है जो कि इसके आगे लगेगी और इसके साथ मैं अटैच कर सकूंगा ये माउंट होल्डर जो सेलफोन को होल्ड करेगा, मोबाइल को होल्ड करेगा, तो ये मोबाइल को होल्ड करेगा और इसके बाद मैं इसको इसके आगे लगा के हेलमेट पे लगा दूंगा, तो उससे मैं अपना मोबाइल फ़ोन जो ये है ये वाला अटैच करके इससे भी मोटो व्लॉगिंग कर सकता हूँ। बाकी ये इसी की कुछ एक्सेसरीज़ हैं, जैसे ये हो गया, ये इसी की ही एक्सेसरीज़ हैं सारी जो कि इसके आगे लगेंगी। उसके बाद ये पीछे मेरा ट्राइपॉड, ये छोटा सा मेरा स्टैंड है जो मैंने पिछली वीडियोज़ में भी यूज़ किया हुआ है जिससे मैं व्लॉगिंग करता था। फ़िलहाल तो मैं हाथ से ही पकड़ा हुआ मोबाइल। और ये भी कुछ एक्सेसरीज़ हैं, ये तो काफ़ी सारी एक्सेसरीज़ इसी के रिलेटेड ही हैं मेरे ब्लॉगिंग से रिलेटेड। बाकी ये देखो, ये मैंने टूल्स रखे हुए हैं कि कभी कोई चीज़ ख़राब हो जाती है तो चाहे वो मेरे मोबाइल हो चाहे वो कैमरा हो तो वो मैं सेट कर सकूं, ये उसके लिए। बाकी ये पीछे पावर बैंक वगैरह है रखा हुआ है हमने, ये अब इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो यार ये खोल के आपको दिखाते हैं, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, मैं ये आपको दिखा देता हूँ। तो यार ये है माइक, वायरलेस माइक्रोफोन है जो कि मेरे व्लॉगिंग में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, और ये इस वक्त सबसे जो ज़बरदस्त, जिसको कहते हैं नॉइज़ कैंसिलेशन माइक, ये वो है। इसके पीछे आप देख सकते हैं, ये भी चाइना की कंपनी का ही है, चाइना का ही है ये भी, और इसकी जो नॉइज़ कैंसिलेशन है ये बहुत ज़बरदस्त है। ये भी अभी मैं आपको चेक करा देता हूँ, अभी आपको मेरे जो भी साउंड आ रहा है वो तो मोबाइल के इंटरनल से आ रहा है ना, इंटरनल माइक से आ रहा है। अब मैं लगाऊंगा इसको और फिर आपको चेक कराता हूँ यार ये क्या चीज़ है। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको ये ओपन करते हैं और ये देख सकते हैं, ये हमारे पास ये आ गया माइक, और ये इसको लगाने के लिए है, वायरलेस जो भी है इससे ये लगाएंगे हम। ये तो फ़िलहाल टाइप सी है, इसके साथ हमारे पास ये आता है इसका OTG जो इस पर आईफोन पर लगेगी, इसी टाइप सी टू लाइटनिंग ये लगाएंगे तो फिर हम इसे यूज़ कर सकेंगे माइक को। तो ये है कुछ, ये मैं अभी आपको लगा के दिखाता हूँ और फिर आप आवाज़ चेक कीजिएगा। तो माइक तो मैंने लगा लिया और आप आवाज़ जो भी इस वक्त सुन रहे हैं वो इस माइक की है, ये जो ये एक का
माइक है ये, इसकी आवाज़ है और आप इसमें नॉइस कैंसिलेशन और सुकून सुन ही रहे होंगे कि इतना सुकून वाली आवाज़ है और कोई शोर भी नहीं है इसमें, और बड़ा प्यारा सा साउंड आता है और कोई बैकग्राउंड नॉइज़ कुछ भी नहीं आता, सिर्फ जो मेरी वॉइस अटैच है वही आपको आएगी, क्लियर एंड कट आएगी। मैं अब व्लॉग इसी से ही करूँगा, ये काफ़ी अच्छी चीज़ लगी है मुझे, बहुत ही अच्छी चीज़ लगी है। इसकी प्राइस वैसे मैंने ये ऑफलाइन मार्केट से परचेज़ किया है, लेकिन ये जो है ना ऑनलाइन मार्केट्स में भी है, अवेलेबल है ये राउंड अबाउट 2700, 3000, कहीं पे 3500 भी है, मतलब डिफरेंट रेट्स में है। मैं अब इसका क्या कहूँ, मैंने तो ये ऑफलाइन 3000 का परचेज़ किया था। इसके साथ ये केबल आती है इसकी चार्जिंग की, ये अब मैं क्या निकाल के दिखाऊँ आपको। तो यार ये सारी चीज़ें थी, और ये देख सकते हैं माइक यहाँ लगाया हुआ मैंने, और ये सारी चीज़ें थी। बात ये है कि जो पूछने की बात है कि मैं व्लॉगिंग, मोटो व्लॉगिंग कब शुरू करूँगा, कब मैं टूर पे जाऊँगा, कब मोटो व्लॉगिंग शुरू करूँगा। तो यार फ़िलहाल मैं अभी टेस्ट कर रहा हूँ मोटो व्लॉगिंग, मतलब मोटो व्लॉगिंग में, क्योंकि आपको एक बात भी करनी होती है, फिर बाइक भी चलानी होती है, और बाइक भी मैं आपको दिखाऊंगा मेरे पास कौन सी है, वो भी मैं आपको अलग व्लॉग में दिखाऊंगा, जिसमें आपको दिखाऊंगा कि मेरे पास ये बाइक है, इस पे मैंने मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट करनी है। तो फिलहाल तो अभी मैं आपको किट्स ही दिखाई हैं, जो जो मैंने चीज़ ली है मोटो व्लॉगिंग के लिए। मैं अभी कुछ प्लान कर रहा हूँ मोटो व्लॉगिंग से रिलेटेड, अभी तो फिलहाल टेस्टिंग हो रही है कि मैं, मतलब अगर आपको मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट करनी भी है तो उसमें पहले थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, क्योंकि आपको सड़क पे देखना होता है, कंसंट्रेट रखना होता है, फिर बात भी करनी होती है, और मतलब जैसे माइक पे मैं आप लोगों से बात करूँगा, व्लॉगिंग में बताऊँगा कुछ चीज़ें, तो वो सब कुछ भी मैनेज करना होता है, साथ वीडियो भी बन रही होती है, तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको माइंड में लेके चलना पड़ता है। तो इसलिए मैंने अभी कुछ टेस्टिंग वगैरह, कुछ प्रैक्टिस वगैरह की है, टेस्टिंग की है मैंने बाइक पे, वो तो मैं भी आपको शो नहीं कराऊंगा, लेकिन मैं एक वीडियो जल्द अज जल्द अभी टूर एक प्लान करने की कोशिश करूँ, उससे पहले मैं वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं आपके साथ बातें करूँगा, और वो मोटो व्लॉगिंग आप देखेंगे भी सही। उसके बाद मैं एक टूर प्लान कर रहा हूँ, जो मेरा एक सिलेक्टेड एरिया होगा, मैं वहाँ जाऊँगा, आउट ऑफ सिटी जाऊँगा फिलहाल, तो मतलब मोटो व्लॉगिंग करूँगा तो मैं उसमें आउट ऑफ सिटी ही जाऊँगा। आउट ऑफ सिटी जाके जो भी एक टूर होगा वो कवर करूँगा, उसमें आप लोगों को दिखाऊँगा। फिलहाल इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करता हूँ, बस आपसे यही कुछ चीज़ें शेयर करनी थी। नेक्स्ट व्लॉग बहुत जल्द इंशाल्लाह लेके आऊँगा, कोशिश करूँगा, क्योंकि अब तो मोबाइल आ गए तो अब रेगुलर इंशाल्लाह हो जाएंगे। तो अगर आप लोगों को माइक परचेज करना हो तो ये आप दराज से ख़रीद सकते हैं, दराज में भी काफ़ी सस्ते में लगा हुआ है, और बाकी भी काफ़ी सारे मार्केट्स में, मतलब ऑनलाइन मार्केट्स में काफ़ी जगह लगा हुआ है, फिलहाल तो टॉप पे दराज ही है, तो दराज पे ये लगा हुआ है बहुत ज़्यादा, तो ये आप माइक परचेज़ करें। मैं पर्सनली आप लोगों को रिकमेंड करूँगा, जो लोग वीडियोज़ बनाते हैं, व्लॉग बनाते हैं, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा माइक है। ठीक है, फिर इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।